कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। आज की क्लास में इस प्रश्नावली का उदाहरण करेंगे, राजस्थान बोर्ड का ही है, ठीक है ना, इसके उदाहरण हम करेंगे। तो देखो ध्यान देना, ये प्रश्नावली समझने से पहले आपको ये सारणी कंप्लीट आनी चाहिए। अगर ये सारणी आपको अच्छे से बनाना आती है तो आप इस प्रश्नावली को आसानी से बना सकते हो। तो मैंने इसको बनाना आपको सिखा रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के आई बटन पर दे दूंगा। तो पहले आप इसको बनाना सीखना अच्छे से और फिर ये सवाल करना, ठीक है ना। देखो बेटा, सबसे पहला जो उदाहरण है, टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सारणी में देख के इनके मान लिखेंगे और उनको जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो आपको आसानी से मान प्राप्त हो जाएंगे। देखो सबसे पहले टेन 60, अब इसमें देखें टेन 60 का मान, देखो ये रहा 10 और ये रहा 60, तो टेन 60 का मान ये यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 3, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3। देखो 10 के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी लगेगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 है, अब यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लेंगे। कोस 30 का मान देखेंगे, अब ये रहा कोस और ये रहा 30, तो बताओ कोस 30 का मान कितना है, वो आ जाएगा अंडर रूट 3 बटा 2। देखो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब बेटा हल करो, सबसे पहले कोष्टकों को हल करते हैं। देखो सबसे पहले ये अंडर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर है तो आपके इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, केवल क्या रहेगा 3 रहेगा। अब देखो कैसे कटता है, अंडर रूट का मतलब होता है उस संख्या की घात 1/2, जैसे 3 की घात 1/2 इस अंडर रूट का मतलब है, और फिर ऊपर घात कितनी है 2, घात के ऊपर घात तो घात गुणा हो जाती है। देखो इस 2 से 2 कट गया, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 का मतलब कितना 3, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कट गया ना, तो आप ध्यान रखो स्क्वायर अगर अंडर रूट के ऊपर है तो कट जाएगा। अब प्लस है तो प्लस 3 गुणा, पहले कोष्टकल होगा, तो देखो जो ये स्क्वायर है बेटा ये 2 के ऊपर भी है और अंडर रूट 3 के ऊपर भी है, तो अंडर रूट 3 के ऊपर है उससे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, जैसे यहाँ कटा तो 3 आ गया। अब 2 के ऊपर भी है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 × 4। अब आगे देखो, पहले गुणा करेंगे बाद में जोड़ेंगे, पहले जोड़ मत देना, जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, पहले गुणा करते हैं। देखो 3 प्लस 3 तिया 9/4, अब दोनों को जोड़ना है, या तो यहाँ बाद में 1 मान लो और लस ले लो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते, जैसे 4 × 3 = 12 प्लस है ना, तो 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। बोर्ड परीक्षा में एक नंबर का सवाल पूछा जाता है ऐसा, तो ध्यान से समझ लेना। देखो दूसरा, यहाँ पे मान ज्ञात करना है तो सारणी में देख के मान लिखो। देखो पहले साइन 60, ये रहा साइन और ये रहा 60, कितना है अंडर रूट 3/2, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मान लेंगे। अब कोस 60 कोस 30, देखो ये रहा कोस और ये रहा 30, कितना है बेटा, ये है अंडर रूट 3/2, प्लस है तो प्लस। अब साइन 30, ये रहा साइन और ये रहा 30, कितना है 1/2, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा। अब कोस 60, ये रहा कोस और ये रहा 60, कोस 60 का मान कितना है 1/2। हल करेंगे, देखो पहले गुणा, ये दोनों गुणा होंगे फिर ये दोनों गुणा होंगे, गुणा करो। देखो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 3 की घात 1/2 और वहां भी 3 की घात 1/2, तो ऐसे समझ लो कि ये आधा 3 और ये आधा 3 क्या हो गया, पूरा 3। ऐसे बोलेंगे मेरे को आधा अंडर रूट 3, आधा अंडर रूट 3 क्या हो गया, पूरा 3, ये आधा 3 और आधा 3 क्या हो गया, पूरा 3। नियम है, अगर आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है, 1/2 और 1/2 आधार आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 × 4 प्लस 1 × 1 2 × 4, अब लसल लो मतलब दोनों को जोड़ना है, तो देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में प्लस का चिन्ह, क्या लेते हैं लस है, बताओ बेटा लस है कितना आएगा 4, देखो नीचे दोनों समान है ना तो 4 आया, दो नीचे दोनों समान ऊपर भी दोनों समान, 3 + 1 3 × 1 = 4/4 और 4 का भाग 4 में कितनी बार, 1 बार, ये आ जाएगा इसका आंसर। उतारो उदाहरण नंबर 3, देखो ध्यान से सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है तो देखो इसमें दो भाग दे रखे हैं, एक तो आगे वाला और एक पीछे वाला, इसको तो बोलते हैं बायां पक्ष और इसको बोलते हैं दायां पक्ष, मतलब ये तो है LHS और वो है RHS, दोनों को हल करेंगे और दोनों के उत्तर आपके बराबर आने चाहिए, पहले इसको हल करेंगे फिर उसको हल करेंगे। तो पहले देखो ये वाला ले लें LHS,
ठीक है ना बेटा। अब देखो मान लिखना है आपको LHS में क्या है, 4 sin 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 इंटू 10 45। ठीक है, इसको हल करेंगे पहले। तो देखो 4 का तो 4 कोई चीज नहीं है तो गुणा मान लेंगे। अब साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, फिर गुणा। अब साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान ये रहा √3/2, √3/2। देखो उसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, प्लस 3 कोई चिन्ह है तो गुणा मान लेंगे। अब कोस 60, ये रहा कोस, ये रहा 60, कोस 60 का मान कितना है 1/2, गुणा 10 45, 10 45 का मान 1, तो ये 1 आ जाएगा। हल करेंगे इसको, देखो ध्यान से, देखो गुणा में नहीं, ये गुणा तो कर सकते हो, ये कट गया कितनी बार, 2 बार, 2 का भाग 2 बार जाएगा। देखो क्या आ गया, 2 एकम 2। अब गुणा, अब देखो बेटा ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया और ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, तो देखो वो तो 3 रह गया और 2 का कितना हो गया 4। अब प्लस 3 एकम 3 और बटे में 2, ठीक है, गुणा हो जाएगा ना सभी, तो 3 को 1 से गुणा किया 3, फिर 3 को 1 से गुणा किया 3 और बाद में 2। अब देखो 2 से कट रहा है ये 2 बार, कितना आ गया 3/2 प्लस 3/2 आ गया ना। अब लस ले लेंगे, बताओ लस कितना आएगा, 2 आया, 2 नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम, 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 हो गया 6/2 और 2 का भाग 2 के तो कितना आएगा 3 आएगा। LHS कितना आया 3, RHS भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। अब लेंगे हम क्या लेंगे, RH, दोनों को हल करना है, दोनों उत्तर बराबर लाना है आपको। RHS क्या है, 2 sec² 45 माइनस cosec² 90। अब देखो 2 का तो 2 गुणा सेक 45 का मान, सेक ये रहा सेक 45 कहाँ है आपके, ये रहा 45, सेक 45 ये रहा, कितना √2, तो √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस cosec 90 कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। हल करेंगे देखो 2 गुणा इस स्क्वायर से √ कट जाएगा, 2 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 = 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया कितना आया 3। देखो LHS का उत्तर भी 3 और RHS का उत्तर भी 3, दोनों बराबर आ गए, तो अतः LHS बराबर क्या हो गया RHS, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से सिद्ध करना है आपको, उतारो।